वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जो रूम टूर कराने वाली हूँ वो है उदयपुर में एक प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड है लेक पिचोला पे, और इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल लेक पिचोला। इट्स अ सुपर्ब रूम। आइए मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो ये एक एरिया है और यहाँ पे शुरू हो जाता है वॉशरूम। अब आप देखोगे कि वॉशरूम के गेट पे भी उन्होंने कितनी अच्छे से पूरी नक्काशियाँ की हुई हैं, जो ड्राइंग है मतलब आई थिंक पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो काफ़ी एकदम विंटेज लुक दे रहा है। अंदर आते हैं वॉशरूम की तरफ। सो वॉशरूम में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी स्पेशियस है। मिरर, दो लैंप्स और एक ड्रायर भी है। टॉयलेट्रीज भी हमारे को सब कुछ काफ़ी अच्छी मिली हुई है। मार्बल का ये सारा है यहाँ पे, इट्स वेरी नाइस। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे है इनका बेडिंग एरिया जिसमें शावर और सब कुछ, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सब कुछ है। ऊपर है सारा टॉल के लिए एरिया है सारा। तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। और दरवाजे के दोनों साइड में मिरर है, ये मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है हमारा बेडरूम। बेडरूम में घुसने के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉल पे इन्होंने सेम पेंटिंग किया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। द मोमेंट वी एंटर यहाँ है हमारा लगेज स्टोर करने के लिए एक सेक्शन। ये हमारा लगेज है जो काफ़ी ह्यूज है सिंस वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे हमारे को एक टेबल दिया हुआ है, एक चेयर है, मिरर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मिरर भी है। यहाँ पे है इनका कबर्ड विच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे भी मिरर है कबर्ड पे भी, तो मतलब मिरर की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आराम से रेडी हो सकते हो। उसके बाद ये जो हमारा बेड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरा वुडन बेड है और काफ़ी अच्छा लुक भी आता है इस पर, पूरा रंग है। इसके बाद फिर ये टीवी, और टीवी के नीचे ये पूरा हमारा जो डेली एसेंशियल का है वो सब कुछ है, जैसे कि फ्रिज है, नीचे केटल है, एसी का रिमोट, मेन्यू वगैरह, मतलब सारी चीज़ें हैं। और बलून्स जो हैं वो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की, वो होटल का कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टेबल, आई मीन चेयर, टेबल, फोन सब कुछ है। अब मैं आपको इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट दिखाने वाली हूँ, द रीज़न जिसके कारण हमने ये होटल एक्चुअली बुक किया। चलिए चलते हैं, जस्ट लुक एट इट गाइस। सो ये है हमारी बालकनी जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम बीतता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप आओ और आप खुद ये चीज देखो। वो आपको जो दिख रहा है ना गोल्डन कलर की जो बिल्डिंग है वो है सिटी पैलेस। इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। और ये जो इनकी ये जो जेटी है नीचे, ये इनकी पर्सनल जेटी है जिसको ये लोग अभी आज की डेट में सिर्फ एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। प्री कोविड ये पूरा आपको टूर भी कराते थे, बट अभी हमें रिसेंटली पता चला कि पोस्ट कोविड ये सिर्फ एयरपोर्ट के लिए पिक एंड ड्रॉप करते हैं। उसका भी एक फिक्स टाइम है, दैट इज़ 9 to 6, तो आप अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हो। और हमें जो इनकी ओनर थी उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था तो शी हेल्प्ड अस। हमें यहाँ पे एक टेम्पल जाना था तो हमें उन्होंने जाने को देखा, हमें हम जेटी से ही गए वहाँ पर, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। सो शी वॉज वेरी काइंड। तो बहुत अच्छा है होटल, बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी सुपर्ब है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ है। सेकेंडली इनका जो रेस्टोरेंट है, इनके तीन रेस्टोरेंट्स हैं जैसे उपरे 1559 AD और महाराणा रेस्टोरेंट। तो महाराणा रेस्टोरेंट जो है वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, और उपरे ऊपर है 1559 AD फतेह सागर लेक पे। तो ऊपरे जो है वो बहुत सुंदर है, रूफ टॉप आप इमेजिन कर सकते हो, उसका जो पूरा व्यू है एम्बियंस इज सुपर्ब। तो मस्ट विजिट है, आप आओ, आप खाओ और आप इन्जॉय करो। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि हमने इस होटल को बुक किया था जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और अभी ये बुकिंग हमने की थी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ अगस्त के लिए। उस टाइम पे हमने पे किया था 8,000 rupees पर नाइट। तो ये ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करेगा, तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो।
टू एंड विथ, आप बिल्कुल इस होटल में आओ, आप स्टे करो और इन्जॉय करो. इसमें दो कैटेगरीज हैं, लेक फेसिंग एंड नॉन लेक फेसिंग. हमने लेक फेसिंग किया है बुक क्योंकि ये बिल्कुल है वर्दी. तो आप भी अगर हो तो आप भी यहाँ पर इसको ऑप्ट करो. और अभी के लिए बस इतना ही. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.